कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री व प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किए जाने पर यहां कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क गए हैं। कांग्रेस ने बागेश्वर में धरना कार्यक्रम आयोजित कर पूर्व मुख्यमंत्री सहित अन्य कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमों को खत्म किए जाने की मांग की है। राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने कहा कि प्रदेश सरकार दमनकारी नीति पर उतारू हो गई है। उन्होंने कहा कि जनहित के मुद्दे उठाने वालों पर मुकदमे दर्ज कर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरी जेठानी सहित पूर्व दर्जा राज्य मंत्री राजेंद्र टंगड़िया ने भी मुकदमे दर्ज करने का विरोध करते हुए धरना दिया। देखिए, कल पूरे प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने अपना ज्ञापन प्रदर्शन करने के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में दिया। कल आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत जी भी, उनका क्वारंटाइन पूरा हो चुका था, इन पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों के प्रति भारत सरकार पर दबाव डालने के लिए उन्होंने और जनता से मिलने के कार्यक्रम में उन्हें अपने आवास में से शिव जी का आशीर्वाद लेने के लिए गए और एक बैलगाड़ी में सोशल डिस्टेंसिंग के तमाम नॉर्म्स का जो मानक है उनका अनुपालन करते हैं। लेकिन पता नहीं राज्य की सरकार को हरीश रावत जी कितनी डर और भय लगता है, जबकि वो जनता की आवाज़ को, जो प्रतिपक्ष का धर्म है, उसी को ही उठा रहे थे, तकलीफों को ले जा रहे थे। पता चला कि उनके खिलाफ और 20 अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी प्रदेश सरकार के इशारे पर देहरादून प्रशासन ने झूठे मुकदमे आरोपित कर दिए और आज पूर्व मुख्यमंत्री ने इसी बात को लेकर के कि कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं के ऊपर सरकार इस तरह से, जो जनता की आवाज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, जनता के दर्द को सरकार के ध्यान आकर्षित करने के लिए ले जा रहे हैं, उन पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उन सब की वापसी के लिए मैं देहरादून में एक घंटे का सांकेतिक उपवास महामहिम राज्यपाल के आवास पर करूँगा। हम सब लोगों ने भी उनके इस संघर्ष में अपनी हिस्सेदारी करने के लिए, उनके हाथों को मजबूत करने के लिए आज हम लोग भी यहाँ पर उसी धरने में कार्यक्रम में बैठे हैं और राज्य सरकार से फिर मांग कर रहे हैं कि, और भारत सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों को वापस लिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दाम कम हो रहे हैं उसका लाभ आम उपभोक्ताओं पर लिया जाए और जो कांग्रेस कर्मियों पर, मीडिया पर या अन्य सामाजिक संगठनों पर जो जनता की आवाज़ को वापस उठा रहे हैं उन पर झूठे मुकदमे आरोपित करना तत्काल बंद किया जाए। माननीय हरीश रावत जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी और अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो भी मुकदमे राज्य सरकार के द्वारा झूठे मुकदमे दायर किए हैं उनको भी तत्काल वापस लिया जाए। इसी बात के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। CCN न्यूज़ के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।